दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन और तापमान वितरण, जो कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, सूर्य ताप और भौमिक विकिरण में संतुलन को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों जो भी सूर्य का ताप आता है और इतना ही क्या पृथ्वी द्वारा क्या है विकृत किया विकिरण कर दिया जाता है, इस दोनों का जो आपस में संतुलन होता है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं हम ऊष्मा बजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, जो सूर्य से आती है उसको तो बोलते हैं हम दोस्तों सौर विकिरण, जो पृथ्वी से वापस जाती है उसे बोलते हैं पार्थिविक विकिरण। तो पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को हम क्या बोलेंगे? पार्थिव विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए तीन नंबर क्वेश्चन कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित होता है? तो दोस्तों जब ये सूर्य हमारा और सूर्य से 100 इकाइयाँ क्या है धरातल की ओर आती है पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी के द्वारा कितनी परसेंट अवशोषित होती है 100 में से 51%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर कि सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? दोस्तों जब ये हमारी पृथ्वी होगी, जब सूर्य से क्या है सौर विकिरण है वो आती है पृथ्वी की ओर, तब क्या होता है कि वायुमंडल के द्वारा 100 में से क्या है 14% जो क्या होती है इकाइयां है वो क्या अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल के द्वारा कितनी 14% क्या है अवशोषित कर ली जाती है, किसकी? सौर द्वारा जो विकृत ऊर्जा होता है उसका 14% जो भाग है वो वायुमंडल के द्वारा क्या है अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों ये हमारा सूर्य हो गया और जब सूर्य की किरणें यानी जो विकिरण सौर विकिरण जब पृथ्वी की सतह पर आती है और पृथ्वी सतह है उसको वापस क्या कर देती है परावर्तित कर देती है, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जब सूर्य से सौर विकिरण आती है पृथ्वी की ओर और 14% भाग है वो क्या है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और भाग है वो क्या है पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन पृथ्वी परावर्तित करके जब सौर विकिरण को वापस है वो वायुमंडल में भेजती है तो वायुमंडल के द्वारा फिर से क्या है 34% भाग क्या है फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 34 और 14 कितने हो गए 48। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जब सूर्य से सौर विकिरण आती है तो उसका 14% भाग है वो क्या है वायुमंडल के द्वारा क्या है अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद में जब जो सौर विकिरण नीचे पृथ्वी की ओर आती है और पृथ्वी जब सौर विकिरणों को परावर्तित करती है तो वायुमंडल के द्वारा फिर से क्या है 34% भाग है वो अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार कुल कितना हो गया 48%। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौटता है? इन दोस्तों ये हमारा सूर्य हो गया और सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण है वो पृथ्वी के धरातल पर भेजी जाती है, उनमें जो पृथ्वी के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं उनके द्वारा कितना प्रतिशत भाग है वो सौर विकिरण का परावर्तित किया जाता है? तो वो परावर्तित किया जाता है 2% भाग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन देखिए कि सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौटता है? दोस्तों जब सूर्य से क्या है सौर विकिरण आती है तो जब क्या होता है दोस्तों बादलों के द्वारा कितना प्रतिशत भाग है वो परावर्तित करके अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, तो वो कितना प्रतिशत भाग 27% भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और दोस्तों ये जो आपका ऊष्मा बजट है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी बादलों के द्वारा जो सूर्य विकिरण का कितना प्रतिशत भाग है वो परावर्तित होकर कितना अंतरिक्ष में लौट जाता है 27%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? इन दोस्तों ये कोई एक पदार्थ हो गया, जब इसके जो तत्व है उनका जो संचार है ऊष्मा का संचार इनके मध्य होगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम संचालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को, यानी ये कोई पदार्थ है इसके मध्य जो ऊष्मा का संचालन होगा इसको हम बोलते हैं सोहन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है। तो दोस्तों सूर्य की सतह का औसत तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार देखें कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी के जो सतह का औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों ही आंकड़े दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों लॉजिक के साथ क्वेश्चन है, वो आपको करना है कि पृथ्वी के धरातल तक सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है और अवशोषित होता है। यानी दोस्तों जब सूर्य से सौर विकिरण पृथ्वी को आती है तो कुछ भाग है वो बादलों के द्वारा, कुछ भाग है वो वायुमंडल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के परावर्तित होता रहता है, लेकिन लास्ट में जो पृथ्वी पर पहुँचता है वो कितना प्रतिशत पहुँचता है 100 में से। तो दोस्तों 100 में से पृथ्वी पर कितना पहुँचता है, 51%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन कि सूर्य ताप क्या है। तो दोस्तों जो पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर विकिरण यानी सूर्य का जो प्रकाश है वही क्या है, सूर्य ताप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक किस तारीख को आती है। तो दोस्तों आपको दो स्थितियाँ हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। यानी दोस्तों हमारी पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो दोस्तों जब पृथ्वी इस स्थिति में होती है, यानी जब सूर्य से पृथ्वी क्या है, सबसे नज़दीक होती है। यानी अब दोस्तों देखो, अपने परिक्रमण जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करती है, तो जब सूर्य से पृथ्वी सबसे नज़दीक आती है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। और उपसौर की स्थिति कब होती है दोस्तों, 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पे होती है, ये दूरी देख रहे हो दोस्तों आप, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपसौर। ठीक है दोस्तों, और ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो दोनों स्थिति आपको याद रखना है। जब सूर्य नज़दीक होता है, यानी सूर्य पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को हम उपसौर बोलते हैं, और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होती है उस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर, और अपसौर की स्थिति है वो हमें 4 जुलाई को देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक किस तारीख को होती है। दोस्तों पृथ्वी अब सूर्य से सबसे नज़दीक है वो 3 जनवरी को होते हैं, और इस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का धरातल सूर्यताप को किस दर से प्राप्त करता है। यानी जो सूर्य है उसका प्रकाश है जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो किस दर से पृथ्वी है उसको प्राप्त करती है, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 कैलोरी, इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि जो पृथ्वी का धरातल है वो सूर्यताप से जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी 2 कैलोरी देख लीजिए आप, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, प्रति मिनट, ये क्या है, यानी जो पृथ्वी के धरातल का सूर्य ताप से प्राप्त ऊर्जा दर है। ठीक है दोस्तों, यानी किस दर से जो ऊर्जा है वो पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है वो दर ये दे गई है, यानी 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी प्रति मिनट में क्या करती है, 2 कैलोरी दर से क्या है, सूर्यताप को प्राप्त करती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्यताप पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है। यानी दोस्तों जब सूर्य विकिरण है जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये किस रूप में पहुंचती है। तो दोस्तों ये लघु रूप में पहुंचती है, जबकि जो पृथ्वी से परावर्तित होती हुई जो परावर्तित किरणें होती है, जो पार्थिविक विकिरण होती है वो क्या है, दीर्घ रूप में। ठीक है दोस्तों, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु रूप में, जबकि जो पृथ्वी से विकिरण होकर जो परावर्तित होकर जो किरणें जाती हैं उनको हम वो कौन से रूप में जाती है, दीर्घ रूप में। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है सूर्य पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है सूर्य ताप, तो वो लघु रूप में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन देखिए कि सामान्य ह्रास दर क्या है। यानी तापमान है ऊपर जाने पर जो ह्रास दर रहती है, कमी की दर रहती है वो कितनी है। तो दोस्तों 165 मीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस
तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, यानी कोई वस्तु है उसका ताप है वो किसका सूचक है, यानी उसमें जो तापमान है वो किस प्रकार हमें पता चलेगा, तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जो उसके जो अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा है वही किसी वस्तु का ताप का सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बीसवां क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, उष्मा बढ़ गई, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई, या उसमें ऊर्जा बढ़ गई। दोस्तों जब किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि उस वस्तु क्या है उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी उष्मा का संचारण करती है, यानी पृथ्वी है वो उष्मा का संचारण किस रूपों में करती है, तो दोस्तों वो चालन में भी करती है, संवहन में भी करती है, विकिरण में भी करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ये सभी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको समझना है फिर उसका उत्तर देना है कि वायुमंडल के शीर्ष पर कितना सौर विकिरण प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, और सूर्य के दोस्तों द्वारा जो सौर विकिरण किया जाता है वो आप सभी जानते हैं 100 इकाई या 100% किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं हमसे कि वायुमंडल के शीर्ष पर, ये हमारा वायुमंडल हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया हमारी पृथ्वी, ये क्या हो गया वायुमंडल, तो ये वायुमंडल का क्या हो गया शीर्ष हो गया, तो इस पर सूर्य का विकिरण कितनी इकाइयां प्राप्त होता है या कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। दोस्तों आप देख के बता सकते हैं, सीधा सौर है वो इस पे आएगा, क्योंकि जो सौर विकिरण है वो वायुमंडल के अंदर आएगा तब उसका क्या अवशोषण होगा, यानी बादलों के द्वारा 27% अवशोषण होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार वायुमंडल के द्वारा 14% अवशोषण होगा, लेकिन हम बात करें कि वायुमंडल के शीर्ष पे, यानी शीर्ष पे कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, यानी वो 100 की 100 इकाइयां हैं वो वायुमंडल के शीर्ष भाग पे क्या है प्राप्त होगी, यानी सौर विकिरण की 100% इकाइयां हैं वो सभी प्राप्त होगी किसके ऊपर, वायुमंडल के शीर्ष के ऊपर। जब वायुमंडल के अंदर आता है ना सौर विकिरण, उसके बाद में क्या उसका अवशोषण है वो चालू होता है। ठीक है दोस्तों, तो लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन बनाया गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 100 इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा कारक है वो तापमान वितरण को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों अक्षांश है, ऊंचाई है, महासागरीय धाराएं हैं, ये सभी क्या है तापमान वितरण को क्या है नियंत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, तो दोस्तों अधिकतम सूर्य ताप है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर होता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य तो है वो भूमध्य रेखा पे चमक रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब सूर्य यहाँ पे चमकता है तो यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होगा तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगी, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ हैं वो इलाके क्या है जल गिरती है, इस कारण यहाँ का तापमान है वो किस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनकी तुलना में क्या कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है अधिकतम सूर्य ताप है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी अपनी लगभग सारी ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, तो दोस्तों पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी बदले में उष्मा को वापस वायुमंडल में लंबी तरंगों के रूप में विकिरण करती है, जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब सूर्य से जो विकिरण है वो पृथ्वी पर आती है वो किस रूप में आती है, लघु रूप में, और उन्हें बोलते हैं हम सौर विकिरण। ठीक है दोस्तों, और जब पृथ्वी से जो विकिरण वापस सूर्य की ओर जाती है, वायुमंडल की ओर जाती है, उसे हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, और ये किस रूप में जाती है, दीर्घ रूप में जाती है, और इसी पार्थिव विकिरण को हम क्या बोलते हैं, स्थलीय विकिरण भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 152 मिलियन किलोमीटर है, और 152 मिलियन किलोमीटर का मतलब हो गया 15 करोड़ 20 लाख। ठीक है दोस्तों, यानी सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है वो 15 करोड़ 20 लाख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहते हैं, दोस्तों जो पृथ्वी की सूर्य की सतह पर जो हमें काले धब्बे देखते हैं उनको हम सन स्पॉट बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 29वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं, दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारी भूमध्य रेखा हो गई, इधर कर्क रेखा हो गई, और इधर हमारा क्या है, इस प्रकार क्या है हमारा भारत है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करें हम त्रिवंतमपुर की, तो ये त्रिवंतमपुरम है वो केरल पे है, केरल में आता है,
और हैदराबाद चंडीगढ़ वो सभी यहाँ पे ऊपर की ओर आते हैं। तो दोस्तों आप सभी जान सकते हैं जब सूर्य है वो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पे क्या है चमकेगा, तो क्या है सबसे पहले है वो तिरुवनंतपुर पे भी क्या है चमकेगा, यानी यहाँ का प्रकाश तिरुवनंतपुर पे भी क्या है तिरुवनंतपुरम है उसमें भी क्या है सूर्य का प्रकाश है वो चंडीगढ़ हैदराबाद नागपुर की तुलना में क्या है सबसे पहले पड़ेगा। और यहाँ पे जो दिन की अवधि है वो भी लंबी होगी, तो सबसे पहले जो दिन की अवधि लंबी कहाँ होगी तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की इस प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है, यानी जब वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर तापन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भूमध्य सागरों पर पवने क्या है जब गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो वो ऊर्ध्वाधर तापन करती है, और जब ये अणुओं के संपर्क यानी जो जलवाष्प के संपर्क में आती है तो वो संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त होकर क्या है वो संघनन हो जाती है। तो दोस्तों जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठती है इनको क्या कहते हैं हम संवहन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये PDF चाहते हैं, इसके अलावा आप जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक के जो आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।